नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आज की जो वैकेंसी है ये रेवन ग्रुप में, जैसे कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा रेवन ग्रुप। तो दोस्तों मैंने जैसे ही रेवन ग्रुप आप गूगल पे डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि ये दोस्तों बहुत बड़ी कंपनी है। इसका जो टर्नओवर है दोस्तों वो हंड्रेड्स ऑफ करोड्स, मोर देन हंड्रेड ऑफ करोड्स है। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है दोस्तों। इसके एम्प्लॉय भी जो है इसके अंडर वो 1000 प्लस है। वैकेंसी इतने बड़े डिपार्टमेंट में कभी भी सिंगल या डबल नहीं निकलती। और ये जो वैकेंसी है दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा ही होगा, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल तीनों के लिए डिप्लोमा डिग्री सभी एलिजिबल है इसमें। दोस्तों इसके सबसे पहले कैरियर पोर्टल पर चलेंगे, इसके बाद उससे पहले मैं आपको रेवन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा भी कि ये किस में वर्क करता है, कहाँ वर्क करता है। दोस्तों ये जो है ये वर्क करता है सोलर डिपार्टमेंट में, और सोलर में दोस्तों ये रूफ माउंटेड और अलग अलग सेक्टरों में इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में भी है। बहुत अच्छा नाम है इसका, और दोस्तों अब तो ग्लोबलाइड इसका नाम होता जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे आपको देखेंगे लेफ्ट साइड में इसका ऑलरेडी ग्रूम विद रेवन ये ऑलरेडी दिख रहा है आपको, तो इसी के नीचे दिखा रहे दोस्तों वैकेंसी इन रेवन्स। तो जब आप इसको देखेंगे दोस्तों, आप क्या करते हैं, आप पूरा वीडियो नहीं देखते जिससे आप ही का बेनिफिट लॉस होता है, और ये वैकेंसी जब तक आप अपनी क्वेरीज ढूंढते हैं तब तक कोई और ले जाता है। और ये आप अगर वीडियो पूरा देख लें तो शायद, क्योंकि आपको ये लगता है कि ये जितनी भी वैकेंसीज होती है फेक होती है। दोस्तों फेक कुछ नहीं होता, अगर उनके पास उन्हें जरूरत ही नहीं है तो वो क्या जरूरत है उन्हें अपने पोर्टल पर डालने की। तो आप बी पॉजिटिव हो, आज नहीं होगा बट एक दिन जरूर होगा, इसीलिए दोस्तों इसको इस पर लगे रहिए। तो दोस्तों ये जो है ये वैकेंसी आप देखिए सेकंड नंबर पे जो है वैकेंसी इन रेवन। और दोस्तों ये जो है ना, आप मेरे से अगर आप वीडियो देख लेंगे तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी भी चीज की कि आपको लिंक विंक प्रोवाइड किया जाए। इसीलिए दोस्तों आप अगर नॉर्मली मैं शुरू से लेकर एंड तक बताते हैं दोस्तों, अब ये देखिए हमने वैकेंसी ओपन की है, तो ये आपको दिख रहा होगा स्टार्टिंग में ही वैकेंसी इन रेवन। तो रेवन इन केबल्स वर्टिकल, रेवन इन सोलर वर्टिकल्स। तो दोस्तों ये आप केबल्स वर्टिकल में देखते हैं, सोलर में एक ही बात है। दोस्तों सबसे पहले जो वैकेंसी है सेल्स वाले के लिए, उसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने उसके बारे में मेंशन ही नहीं कर रखा है। दूसरा है दोस्तों मार्केटिंग वाले के लिए, तीसरा मार्केटिंग सेल्स एंड मार्केटिंग, चौथा जो है मार्केटिंग बिजनेस के लिए। दोस्तों ये ऐसी वैकेंसी कम निकलती है। ये जो पांचवी वैकेंसी है दोस्तों, ये जो है ये है अपनी फाइनेंस वाले के लिए। तो उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊँ, जनरल मैनेजर है, मिनिमम 10 प्लस एक्सपीरियंस चाहिए। तो मेरे को नहीं लगता कि कोई फाइनेंस वाला 10 प्लस एक्सपीरियंस वाला मेरी वीडियो देख रहा है, अगर देख रहा है तो नमस्ते सर। तो दोस्तों ये जो है ये एफ वाली है, प्रोजेक्ट साइड इंजीनियर, प्रोजेक्ट सिविल इंजीनियर, डिजाइन मैनेजर, डिजाइन मैनेजर और टेस्टिंग मैनेजर स्टोर्स। तो दोस्तों इन्हीं वैकेंसीज में से अपना होने वाला है। तो दोस्तों ये जो है आप देखेंगे, ये है एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, ये केबल्स में है। और दोस्तों ऐसे ही दूसरे वाला जो है सोलर में है। तो इसका हम देख लेते हैं दोस्तों, प्रोजेक्ट में साइड इंजीनियर, साइड इंजीनियर के लिए दोस्तों इन्होंने ये है ग्रेजुएट, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, 2-3 साल का एक्सपीरियंस, मुंबई लोकेशन, रेस्पॉन्सिबल फॉर इरेक्शन एंड मतलब ये दोस्तों इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और सिविल वाले तीनों ही एलिजिबल हैं, क्योंकि इन्होंने ग्रेजुएट इंजीनियरिंग लिखा है। यहाँ पर्टिकुलर इन्होंने जैसे नीचे सिविल इंजीनियर बायोफिलेट करके दिया है, इन्होंने नहीं दिया। तो दोस्तों आप सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से हैं तो अभी आप इसको सबमिट कीजिए। और मैं आपको बता रहा हूँ देखो, यहाँ 2-3 साल लिखा है। दोस्तों फ्रेशर भी है ना आप, देखो मैंने आपको थंबनेल में बिल्कुल मेंशन नहीं किया है कि ये फ्रेशर के लिए वैकेंसी है, बट मैं आपको ये सीरियसली बता रहा हूँ कि ये फ्रेशर के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं समटाइम्स, जब इसमें एक्सपीरियंस वाला कोई नहीं करता। दोस्तों इनमें वैकेंसी में भरने के कोई पैसे तो लगते नहीं है, इनमें कोई चार्ज तो होता नहीं है, इसलिए इनसे अगर आप जितने जल्दी इनको फिलअप कर दें उसमें आप ही का बेनिफिट है। दोस्तों ये जो है रेस्पॉन्सिबल आपका इरेक्शन इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग। दोस्तों इरेक्शन कभी भी कोई सिविल वाला तो कराएगा नहीं, ऑब्वियसली मैकेनिकल वाला ही कराएगा, और इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग, और कमीशनिंग जो करेगा HV एंड EHV प्रोजेक्ट्स। तो ये दोस्तों ये जो है EHV और EHV प्रोजेक्ट्स, इनमें जो होते हैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वालों की जरूरत होती है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ तीनों ही मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल, क्योंकि इन्होंने बायोफिलेट नहीं किया, इन्होंने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट लिखा है। अगर यहाँ आप देखेंगे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की जगह ये कुछ भी लिख सकते थे, इसीलिए इन्होंने पूरा का पूरा। और दोस्तों एक या दो वैकेंसी नहीं निकलती है इतने बड़े प्रोजेक्ट, इतने बड़े ग्रुप में। दोस्तों ऐसे ही गुड नॉलेज इन साइड मैनेजमेंट, एबिलिटी टू मैनेज पीपल, गुड नॉलेज ऑफ कोऑर्डिनेशन स्किल। तो दोस्तों ये आपके अंदर वर्क होना चाहिए। दूसरा क्या है प्रोजेक्ट सिविल के लिए, दोस्तों प्रोजेक्ट सिविल के लिए इन्होंने जो मांगा है वो मांगा है QP2, QPS02, BE सिविल टेक्निकल, BE BTEC, और 3-4 साल का स्टेट प्रो एंड ऑटो कैड, ये डिज़ाइन के लिए मैक्सिमम है, तो इसलिए इसको देख लीजिएगा। दोस्तों ये जो है ये मैनेजर के लिए, इनकी मैं नहीं बताऊंगा। तो इससे पहले आपको मैं चलता हूँ दोस्तों लेके सोलर वर्टिकल्स में। जैसे ही हम सोलर वर्टिकल में जाएंगे, मतलब हम सबसे पहले जो हमारा पेज था तो उसमें आप जाके देखेंगे दोस्तों, इसमें जैसे ऑलरेडी हमने उधर सबमिट कर दी है, तो अब हम देखेंगे ये डिज़ाइन इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर,
स्टोर्स मैनेजर, साइड इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ड्राफ्टमैन, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, ये सब दोस्तों ये अपने ये है सोलर वर्टिकल के लिए। आपने देखा था वहाँ जो था दोस्तों वो केबल वर्टिकल वाला था, अब ये सोलर वालों के लिए। दोस्तों वीडियो जो पूरा नहीं देखता उसके मन में बहुत शंकाएं रहती हैं, इसीलिए आप प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए। आपको भरना ना भरना, मेरे को गाली देनी, जो आपको करना करे, बट आपके लिए बेनिफिट ये है कि वीडियो आप पूरा देखें जिससे आपकी क्वेरीज क्लियर हो जाए। तो आपने देख ही लिया, यहाँ भी इन्होंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मेंशन किया, 203 साल का जो मांगा है क्रिएटिंग डिजाइन में मांगा है। और ये जो ईपीसी है दोस्तों, एंटरप्रेन्योर प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, ये प्रोजेक्ट्स के लिए आपको डिजाइन आना चाहिए, इसी तरीके का है दोस्तों ये डिजाइन के लिए। इसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊं क्योंकि स्टार्टिंग में इन्होंने डिजाइन इंजीनियर दे दिया। ये जो जी है दोस्तों, ये प्रोजेक्ट साइट इंजीनियर इंस्टॉलेशन के लिए दोस्तों मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले इसमें मेंशन होंगे। तो दोस्तों मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, जैसे कि मैंने आपको क्या बोला है, कभी भी एक जो है एक वैकेंसी नहीं होती। देखो इतने इतनी लोकेशन के लिए, मुंबई, पूना, चेन्नई, बैंगलोर, अहमदाबाद, कोयम्बटूर, वाइजैक, एनसीआर, इंदौर, नागपुर, चंडीगढ़, रायपुर, पटना, लखनऊ, इतनी वैकेंसी में इनके पास जॉब है। तो आप खुद ही मान सकते हैं कि एक दो वैकेंसी तो इतने आदमी, एक दो चार आदमी तो इतनी वैकेंसी नहीं करेंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है दोस्तों। ये 2-3 साल का इरेक्शन इंस्टॉलिंग कमीशनिंग में, इसमें मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल तीनों ही एलिजिबल है। अगर आप फ्रेशर हैं तब भी आप सबमिट कीजिए दोस्तों। नॉलेज ऑफ साइट मैनेजमेंट ये जो है ये पूरा का पूरा, जैसे कि मैंने आपको पहले बता ही दिया दोस्तों। ऐसे ही आई वाली आ गया है, आई वाले में साइट इंजीनियर दोस्तों ये है, ये जो है सीवी, ये प्रोजेक्ट साइट इंजीनियर, इसमें भी दोस्तों इन्होंने मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल सेम, इसमें रिक्वायर्ड टू ट्रेवल एंड स्टे एट साइट। तो दोस्तों ये जो है ये अपॉर्चुनिटी भी ठीक है, वर्क अभी तो लोकेशन पुणे रहेगी लेकिन ये कभी से कभी। तो दोस्तों 4 साल का इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है, बट आप फ्रेशर हैं तब भी आप इसको अप्लाई कीजिए क्योंकि आप ही का बेनिफिट है दोस्तों। ऐसे ही आगे प्रोजेक्ट सिविल इंजीनियर, प्रोजेक्ट सिविल इंजीनियर के लिए दोस्तों बीटेक सिविल मांगा है इन्होंने, और देखेंगे आप क्यूएस कोड 5 है दोस्तों, ये स्टेड प्रो इन्होंने मांगा है, बहुत ही अच्छा है और ये पूर्ण लोकेशन रहने वाली है। ऐसे ही दोस्तों इन्होंने ड्राफ्टमैन के लिए, आप देखेंगे ड्राफ्टमैन के लिए इन्होंने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मांगा है। दोस्तों मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि कभी भी आपको भरने का कोई पैसा तो लगता नहीं, इसलिए आप सबमिट जरूर कीजिए कोई भी। दोस्तों क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगा, अभी भी नहीं हो रहा तो उससे भर के कम से कम शांति और अशांति की तो कोई बात ही नहीं है दोस्तों। ऐसे ही यहाँ इलेक्ट्रिकल के लिए ये डिप्लोमा मांगा है इन्होंने, अभी आ गए इलेक्ट्रिशियन की बात, यहाँ भी इन्होंने डिप्लोमा मांगा है, तो इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा दोस्तों। अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ ये मैकेनिकल वालों के लिए भी, मिलराइट फिटर का इन्होंने ITI डिप्लोमा मैकेनिकल ये मांगा है। तो दोस्तों इसको आप जरूर करें, कैंडिडेट आर वर्किंग एक्सपीरियंस इन सोलर प्रोजेक्ट विल बी प्रेफर्ड। दोस्तों सोलर प्रोजेक्ट में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो कोई भी अप्लाई करके देख लेते हैं एक बार आपको, जैसे अगर अप्लाई जैसे एक बार करते हैं तो दोस्तों जैसे ही इसका अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपको ये चीज़ें ओपन होकर आ जाएंगी, जो पोजिशन, ये QS, ये वो, ये पूरा ओपन होकर आ जाएगा जिससे आपको यह और कॉपी पेस्ट या रिज्यूम। तो दोस्तों आपका जो भी रिज्यूम आपके पास अपना है तो ठीक है, नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से, अगर आप नए हैं तो आप वहाँ से फॉर्मेट ले सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। एक्सपीरियंस है तब भी आप सबमिट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों इनमें कोई भरने। जो आप जॉब पोजीशन पे है दोस्तों वो चेंज कर सकते हैं, कि आपका अगर कहीं भी जॉब पोजीशन रहने वाली है, कौन सा प्रोजेक्ट, कौन जो भी है दोस्तों, ये आप बिल्कुल इसको अपॉर्चुनिटी कीजिए। जर्नल एप्लीकेशन में जॉब कोड कोई भी डाल सकते हैं, तो ये ऑलरेडी जर्नल एप्लीकेशन ये अपने आप ही ले लेता है, जैसे प्रोजेक्ट इंजीनियर 05 जॉब लोकेशन, दोस्तों जॉब लोकेशन पूरा अनदर कहीं भी डाल दें, इफ़ अदर स्पेसिफाई द, तो यहाँ आज स्पेसिफाई में पैन इंडिया जरूर डालिएगा, पैन इंडिया का मतलब ऑल इंडिया, तो आपको क्या है कि मिलने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस वजह से दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हम ये CV वगैरह फॉर्मेट ले सकते हैं। और दोस्तों मैं एक चीज़ ही बोलूँगा, कोई बंदा आगे नेगेटिव कमेंट करता है तो उस पर थोड़ा शांति करिए, क्योंकि मेरा कुछ नहीं जाता है, मैं वीडियो बनानी बंद कर दूँगा आपके लिए ही बेनिफिट, जो बंदे काम करते हैं, जो बंदों को रेस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है उनके लिए ही। तो दोस्तों नेगेटिव बंदे प्लीज़ दूर रहें आपकी, मतलब मैं नहीं चाहता कि इसमें लड़कियां भी होती हैं, इसमें और भी बंदे होते हैं, इसमें फ्रेशर्स भी होते हैं, उनको डीमोटिवेट अच्छा नहीं होता, तो इसलिए आप अगर नेगेटिव हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल से दूर रहें, मैं आपका हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ। इस पर रियलिटी है पूरी की पूरी, मैं रियल वीडियो लाता हूँ, मैं कोशिश होती है कि कुछ भी फेक ना हो, 99% मैं बिल्कुल रियल होते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।